तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल अरवी और घुइया की सब्जी। इसको अरवी भी कहते हैं, घुइया भी कहते हैं। अगर आपको पसंद है तो इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बनाना तो इतना आसान है कि पूछिए मत, बस धोकर अच्छी तरीके से उबाल लेना है और सेलेक्ट करते समय हमेशा गोल घुइया ही यूज़ करें, इससे ये बहुत जल्दी पकती है। अब एक कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी और ये घुइया जो बॉयल हो चुकी थी छील लिया है, दोनों हाथ से अच्छी तरीके से दबा लिया है जिससे इसका शेप टिक्की की तरह आ जाता है। अब घी भी गर्म हो गया, इसमें डाल दिया है अजवाइन। अजवाइन को खूब अच्छे से डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो बस सारी टिक्कियां तैयार कर ली हैं, अब इसको हमें इसे सेट कर देना है। आप चाहे तो ये प्रोसेस आप तवे पर भी कर सकते हैं। दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक सेक लेना है, इससे ये एकदम कबाब जैसे लगते हैं। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ आने वाले त्योहारों पर बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। ऊपर से डालना है नमक, बहुत कम सामान पड़ता है इसमें और खाने में तो ये बहुत ही टेस्ट लगती है। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। हाँ फ्रेंड्स, इसमें कोई भी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया कुछ भी नहीं डालना है और टेस्ट तो आप बनाइएगा तो ही पता चलेगा आपको। ऊपर से अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और ये है हमारा आमचूर का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिस्पी करना है तो ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा और देसी घी। कोशिश करें तो देसी घी में ही बनाएं, ये बहुत टेस्टी लगती है। बताना हो रहा है मुश्किल, लेकिन जब आप खाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये देखिए कितना आसान है। तो इस बार इस त्यौहार पर आप भी बनाएं ऐसे घुइया की सब्जी। और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप भी बनाएं बढ़िया सी घुइया की सब्जी।